क्या आपको पता है आपकी पर्सनैलिटी आपके सिग्नेचर से बताई जा सकती है? जी हाँ, इस तकनीक को ग्रफोलॉजी कहा जाता है। हल्द्वानी के नितिन इन दिनों ग्रफोलॉजी की मदद से आपके लिखने के स्टाइल का अध्ययन करके आपके व्यक्तित्व के बारे में बता रहे हैं। इस चीज को ग्रफोलॉजी बोला जाता है, ठीक है, और लॉजी इज बेसिकली द लर्निंग, ग्राफो इज हैंडराइटिंग, हैंडराइटिंग की साइंस को समझना। और हैंडराइटिंग की साइंस बेसिकली आपके बचपन के जो सबकॉन्शियस पैटर्न्स होते हैं ना, जैसे आपका परिवार में आपके माता पिता का क्या बिहेवियर था, कहाँ पे आप पले बढ़े, कौन से आपके दोस्त बने, कैसा आपने खाना खाया, ये सब चीज़ों पे डिपेंडेंट होकर आपके जो सबकॉन्शियस पैटर्न बनते हैं वो आपकी हैंडराइटिंग में रिफ्लेक्ट होते हैं। और जब वो हैंडराइटिंग में रिफ्लेक्ट होते हैं वो आपके बारे में वो सारी बातें बता सकते हैं कि क्या आपका बचपन रहा और कैसा आपकी फ्यूचर की ट्रेजेडरी जाएगी। तो बेसिकली ये पर्सनैलिटी को जानने का एक अनोखा और यूनिक तरीका है जिसपे हम, यानी कि मैं नितिन शर्मा, काम कर रहा हूँ। मैं बेसिकली हल्द्वानी मॉडर्न ब्रॉटअप हूँ। मेरी स्कूलिंग आर्यमान विक्रम बिरला से हुई है और हल्द्वानी से ही पले बढ़े हम। तो ये हमने पिछले 2.5 ईयर्स पहले शुरू करा था और हम रेगुलरली नैनीताल में आते हैं कॉन्टेंट शूट करने। हमें समझ में आया कि अगर आपने कोई चीज़ सही से सीखी है और आप हैंड राइटिंग से कोई बातें बता पा रहे हैं तो उसका रियल टाइम जो यूज़ केस है, सीधे लोगों के बीच जाना और उनको बिल्कुल सच्चाई या सार्थक रूप में वो चीज़ समझाना, आई थिंक दैट्स व्हाट वी थॉट इट एंड दैट्स व्हाट वी हैव बीन डूइंग। तो पूरी पूरी कोशिश है और नीम कुर्री बाबा जी का आशीर्वाद है कि कुछ अच्छा चल पा रहा है और कोशिश है कि हैंड राइटिंग से लोगों को कुछ ऐसा अनोखा बताया जाए जिस पर उनको इस पर्टिकुलर साइंस पर ट्रस्ट बढ़े। आने वाले समय में लोगों को बहुत ज़्यादा चाहिए कि मेरे बारे में बताओ, कौन सा करियर ऑप्शन मेरे लिए बेटर हो सकता है, किस टाइप का पार्टनर मेरे से मैच करेगा, कौन से करियर, या इंडिया में रहूं, अब्रॉड जाऊं, या किस तरह से अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करूं। ये सारी चीज़ों को समझने के लिए बहुत सारे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट्स में क्रिमिनल्स की स्टडी करने के लिए और साइकोलॉजी स्टूडेंट्स जो अपने लोगों को हील करने के लिए, या थेरेपिस्ट लोग इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। धीरे धीरे ये स्कूल्स में, कॉलेजेस में इम्प्लीमेंट होगा आने वाले समय में। यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट हो रहा है, फ्रांस में, यूके में, लंदन में, कनाडा में, और धीरे धीरे इंडिया में भी इसका एक उरोज समय पे देखा जाएगा जहाँ पे डेफिनेटली चीज़ें ग्रफोलॉजी के सेंट्रिक बढ़ेंगी और ये कॉर्पोरेट में इस्तेमाल होगा। एक राइट एम्प्लॉय को अगर टीम में लेके आना है तो उसकी जो मेंटल कैपेबिलिटी है वो टीम में बाकी लोगों के साथ मैच करेगी या नहीं करेगी, ये सब चीज़ समझने के लिए इसका इस्तेमाल होगा। इसकी हैंडराइटिंग सबसे पहले महर्षि परशर थे, उन्होंने इस्तेमाल करी थी और उन्होंने वाल्मीकि को सजेस्ट भी करा था कि ऐसे ऐसे शब्दों के इस्तेमाल से आप कैसे इंसान की सबकॉन्शियस पैटर्न्स को रीड कर सकते हैं। ये हमारा इंस्टाग्राम पेज graphologist_nitin से चल रहा है और हमारी जो वेबसाइट है वो explore.me.com के नाम से चल रही है। और हम कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, हम ग्रफोलॉजी सिखाते हैं, हम एनालिसिस देते हैं लोगों को बहुत डीपर लेवल पे। जो भी लोग वेबसाइट से अपने स्लॉट की बुकिंग करते हैं, चेंज माय राइटिंग के सिग्नेचर एंड देन आई विल टेल यू कौन से लेटर्स लिखने हैं। स्मॉल आई, स्मॉल सबसे पहला पॉइंट कि बहुत तेज गुस्सा आ सकता है, इंस्टेंट रिएक्शंस, इंपल्सिव रिएक्शंस, एंगर इश्यूज, इरिटेशंस एंड फ्रस्ट्रेशंस आर हाई, और ऐसे हेड पेन। ये फर्स्ट इन अ लाइफ एक्सपीरियंस था मेरे लिए और इससे पहले ऐसा कुछ मैंने ट्राई नहीं करा एंड इट वाज बहुत अच्छा था और काफ़ी चीज़ें मैं रिलेट कर पा रही थी। आई कुड सी कि जो चीज़ें वो बोल रहे थे, काफ़ी चीज़ें मेरे पास में जो हो चुकी हैं मैं रिलेट कर सकती थी कि वो सच है। एंड देयर वर गुड थिंग्स कि व्हाट कि मैं क्या कर सकती हूँ और हाउ मैं कैसे खुद को बेटर करूँ। इट वॉज अ रियली गुड एक्सपीरियंस। डेफिनेटली इस चीज़ के बारे में सोचूंगी और मे बी मैं धीरे धीरे आई ट्राई कि मैं उस डोमेन में जा सकूँ और इफ इट वर्क्स फॉर मी देन डेफिनेटली मैं उसमें जाऊँगी। नैनीताल से तनुज पांडे की रिपोर्ट।